रही है। आरएलडी के दो सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि राष्ट्रीय लोक दल के दो सांसदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये सभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में काफी दिनों से लगे हुए थे और इसी वजह से इनके ऊपर ये गाज गिरी है। सांसद सारिका बघेल को आरएलडी से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि देवेंद्र नागपाल भी आरएलडी से सस्पेंड किए जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि काफी दिनों से ये दोनों ही सांसद पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे और इसी वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई पार्टी की ओर से की गई है। आपको बता दें कि अब जाहिर तौर पर इस वक्त सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपने आप को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके ठीक पहले आरएलडी के दो सांसदों का पार्टी से इस तरह से सस्पेंड किया जाना अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है। और इनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में कई दिनों से शामिल थे। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रजत, पार्टी विरोधी किस तरह की गतिविधियों में ये इन्वॉल्व थे जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई? देखिए, देवेंद्र नागपाल और सारिका बघेल दोनों ही समाजवादी पार्टी के टच में थी। लगातार सारिका बघेल का जो टिकट है वो आगरा से अनाउंस हुआ है, देवेंद्र नागपाल को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही लोग एक तरीके से समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में है, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज अजीत सिंह ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अजीत सिंह ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए क्या इतना आसान उनके लिए रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही सांसद हैं और दो दो सांसदों को पार्टी से इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना, इससे पार्टी के अंदर फूट भी, दो गुट भी सामने आ सकते हैं। रजत, देखिए जितना मुझे लगता कोई गुट है, ये बिल्कुल क्लियर था आज से नहीं, छह महीने पहले से क्लियर था। समाजवादी पार्टी सारिका बघेल का टिकट आगरा से अनाउंस कर चुकी है, तो अब कुछ बचा नहीं है आरएलडी के लिए। और अजीत सिंह इस बात को जानते हैं कि राजनीति में ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। अजीत सिंह खुद बहुत अवसरवादी नेता रहे, तो ऐसे में अगर किसी सांसद को लगता है कि उसके लिए लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी से निकालना ज्यादा आसान है, तो शायद आरएलडी से अलग होने में उसको कोई एतराज नहीं था। बिल्कुल कोई एतराज नहीं था। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए कि आरएलडी के कुल कितने सांसद हैं लोकसभा में? देखिए, अजीत सिंह को मिला के तीन सांसद हैं और एक सांसद उनके लड़के जयंत चौधरी भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि दो सांसद की संख्या घट गई है। अजीत सिंह के पास अब तीन सांसद बचे हैं। बिल्कुल, सिर्फ तीन सांसद अब बचे हुए हैं और ऐसे में अब देखना यही होगा कि आरएलडी की ओर से आगे किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में थी, तो बात की जानकारी क्या पहले से नहीं थी? जब समाजवादी पार्टी की ओर से बकायदा नाम का अनाउंस कर दिया गया, तब कहीं जाकर इन लोगों को सस्पेंड किया गया? अपने संवाददाता से इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। बहरहाल एक